विश्व विख्यात श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर साळंगपुर धामना कोठारी स्वामी विवेक सागर स्वामीए बागेश्वर धाम ने लईने आपी प्रतिक्रिया। तेमणे जणावे के हूँ पण हनुमान भक्त छू अने धीरेन्द्र शास्त्री पण हनुमान भक्त छे। अमे हनुमान जी दादाने प्रार्थना करिए कि आ कार्यक्रम सफल थाय, गुजरातनी तमाम जनता जोड़ाय। अत्यारे सत्य सनातन हिंदू धर्मनो डंको वागी रह्यो छे त्यारे बागेश्वर धामथी धीरेन्द्र शास्त्री हनुमानजी महाराज ने लईने देश ने दुनिया में निकळ्या छे, त्यारे विरोध थाय तेना उपर ध्यान न आपवू, धीरेन्द्र शास्त्री ने समर्थन आपवू। धीरेन्द्र शास्त्री कोई अंधश्रद्धा फैलावता नथी। लाखों लोको ज्यारे दरबार में जोड़ाता होय छे, स्वयंभू जेने जेवो अनुभव थतो होय तेवू लोको बोलता होय छे। बाकी विरोध करवावाळा ने कोई शंका होय तो ते पण दरबार में जोड़ाई सके छे। विवेक सागर महाराज नी प्रतिक्रिया। खास धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम थी गुजरात के अंदर आता हुए तरह सत्य सनातन धर्म नो प्रचार माटे राजकोट अमदावाद वडोदरा सूरत जेवा शहरों नी अंदर खूब बहोळी संख्या नी अंदर जनता होय छे। ये जनता जागे अने हिंदू धर्म नी अंदर जोड़ाय एवा हेतु थी जयरे बागेश्वर धाम अपना गुजरात नी अंदर आवी रह्या होय त्यारे अमे साळंगपुर कष्टभंजन देवना चरणों में प्रार्थना करिए कि आ हनुमंत कार्य करवा माटे जयरे आटला लोको झझूमी रह्या होय त्यारे आपणे बधाए अढारे आलमे आनी अंदर एन के प्रतापे सहयोग आपवो जोईए अने आनी अंदर जोड़ावो जोईए अने आनाथी आपणा देश दुनिया ने अंदर आपणा सत्य सनातन धर्मनी सारी एवी सुवास पण प्रसरवानी छे। क्यांक ने क्यांक स्वामी आमा विरोध पण थई रह्यो छे जोवा માંગુ છું। એ બાબત આપ શું કહો? विरोध करवा वाला भगवान रामचंद्र भगवान नो पण विरोध करता था, कृष्ण नो पण विरोध करता था। जयरे आवुं सारू कार्य थतुं होय जोई ना सकता होय तो एवा लोको विरोध करवाना छे, पण ए विरोध क्षणिक होय छे। जयरे आपणे बधाय आ हनुमंत कार्यनी अंदर जोड़ाई जईशुं त्यारे विरोध करनारा पण आ सत्य सनातन धर्मनो झंडो लहेरावा माटे ए पण आगे कूच करशे, पण अत्यारे आपणे बधाए આમાં કોઈ ફૂટ ના પડે એવી રીતના બધા આપણે જોડાવું જોઈએ। આપ પણ હનુમાન ભક્ત છો અને એ પણ હનુમાન ભક્ત વિશે હનુમાન ભક્ત તરીકે આપ શું કહો? અત્યારે કળિયુગમાં સૌથી વધારે હનુમાનજી મહારાજનો પ્રભાવ હોય છે, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજના પ્રભાવના કારણે આ બધું થતું હોય છે। બાકી આ કોઈ આપણી શક્તિ નથી કે આપણે આવું કાર્ય કરી શકીએ, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજના પ્રભાવના કારણે આટલું સારું કાર્ય થતું હોય તો વિરોધ કરવા વાળાને વિરોધ કરવા દેવાનું, પણ આપણે બધા હનુમંત કાર્ય છોડવાનું નહીં, છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે હનુમંત કાર્ય ચાલુ રાખવાનું છે।